फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग गुड एंड मैं भी अच्छी हूँ एंड और भी ज्यादा अच्छी हो जाने वाली हूँ, बिकॉज मैं जा रही हूँ जूडियो। चिल्लाओ मत, अटैक आ जाएगा। आई नो कि जूडियो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इतने वीडियोस जो देख रखे हैं तो अब मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ गई है। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब देखना ये है कि ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरता है या नहीं। सो लो जी, हम पहुंच गए हैं जूडियो। सो जैसे ही हम एंटर हुए तो देखा कि एक साइड पे सारे क्लोथ्स एंड बाकी सारी मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स, फुटवेयर और वो सब दूसरी साइड पे थे। सो आगे की साइड पे 199 रुपीज के ये क्रॉप टॉप थे जो मुझे खास पसंद नहीं आए। आगे बढ़ी तो यहाँ डेनिम जीन्स थे एंकल लेंथ के। अब 699 रुपीज के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी ठीक ठाक ही थी, मतलब इससे अच्छे जीन्स तो मीशो प्रोवाइड करता है, वो भी इससे कम प्राइस में। अल्सो इनकी लेंथ मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी कम लगी तो मैंने छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट आते हैं ये जोकर्स। इसमें 3 कलर्स अवेलेबल थे, ब्लैक, क्रीम एंड लेवेंडर। इनकी क्वालिटी बढ़िया थी, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। इनकी प्राइस भी 699 रुपीज़ ही थी। आगे बढ़ी तो यहाँ 399 रुपीज़ में प्रिंटेड शर्ट्स, फैंसी टॉप्स एंड क्रॉप टॉप्स भी थे। अब इनकी क्वालिटी तो अच्छी थी, बट इनके कलर्स, मतलब वो मेरे माइंड में वो चल रहा था कि इस डिज़ाइन में दूसरा कलर एंड इस कलर में दूसरी डिज़ाइन वाला सेम चल रहा था। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत सोचने के बाद लगा कि ये थोड़ा आउट ऑफ फैशन चला गया है तो नहीं लिया। अगेन यहाँ पे डेनिम बैगी जीन्स थे, मुझे ये फर्स्ट ब्लू वाला काफ़ी पसंद आ रहा था तो मैंने मिरर में देखा एंड आई थिंक इट सूट्स मी। बाय द वे ये 999 रुपीज़ थे। अब आगे मैंने देखा कि मेजेंटा कलर में प्लेन शर्ट, इसमें वाइट कलर भी था बट मुझे ये पहली नज़र में ही पसंद आ गया। ये 499 रुपीज़ की थी, बट मेरा प्राइस पे ध्यान ही नहीं गया। मैंने मिरर में देखा एंड लगा कि इसे तो मैं डेफिनेटली बाई करूँगी, सो इसे मैंने सीधा बैग में डाला। बाद में मैंने ट्राई किया। सो अब चलते हैं विंटर वियर की तरफ। वैसे मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि कई बार यहाँ पे सेल लगी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन कोई सेल नहीं था। वैसे ये सारे ही स्वेटर्स 799 रुपीज़ के थे। इसमें काफ़ी सारे टॉप्स थे, स्वेटशर्ट्स थे, कोट सेट्स भी थे, सारी बहुत अच्छी थी। अब मैं प्रिंटेड शर्ट देख ही रही थी कि मुझे ये दिखा क्यूट सा कोटी जैसा कुछ सा एंड इसकी प्राइस 699 रुपीज़ थी। अब यहाँ स्ट्रेचेबल पैंट्स भी थे बट इनमें सिर्फ 2 कलर्स ही थे। वैसे ये 799 रुपीज़ के थे बट क्वालिटी अच्छी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल जो कि है वेस्टर्न वियर। सो यहाँ पे ये फ्रॉक्स थी प्लेन बट मेनी कलर्स इन रुपीज़ 699। देन है स्ट्रिप्ड टॉप्स, श्रग, डेनिम जीन्स इन, हाँ ये पार्टी वियर टॉप। आई थिंक जूडियो बस नाम का सस्ता है, बाकी प्राइस तो उसकी भी कम नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? और भी बहुत सारी चीज़ें थी बट मैं शूट करना भूल गई, सो सॉरी फॉर दैट। कपड़ों के बाद अब बारी है फ्रेग्रेंस, आई मीन परफ्यूम्स की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थे ये बॉडी मिस्ट। अब इनमें से कोई स्ट्रॉन्ग तो कोई एकदम माइल्ड फ्रेग्रेंस के थे, वो होते हैं ना फ्लावर्स की खुशबू के जैसे, भाई मुझे तो ऐसे ही फ्रेग्रेंस पसंद है। एंड उसके भी बाजू में थे परफ्यूम्स, इनकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी थी एंड ये दोनों ही 199 रुपीज़ के थे। इसके पास थे ये मॉइस्चराइजर्स, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं तो मैंने अभी नहीं लिया, बट ये मैंने लगा के देखा एंड लिटरली बहुत अच्छे थे। सो यहाँ 99 रुपीज़ के सनस्क्रीन्स भी थे। अब आगे आई तो यहाँ पे 79 रुपीज़ का एक क्लचर दिखा, मतलब ऐसा है क्या भाई, ये मेरे जैसे क्लमजी लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं बना है। इन हाँ यहाँ पे 49 रुपीज़ के क्यूट से स्क्रंचीज भी थे। ये है लिपस्टिक कॉम्बोस। इसमें 3 पिंक शेड्स की लिपस्टिक थी, एक बेबी पिंक, एक मलबेरी पिंक एंड एक ब्राउन कलर की। इसमें दूसरे शेड्स नहीं थे। देन आता है स्क्रब, लिप बाम एंड लिपस्टिक कॉम्बो, ये बड़ा ही क्यूट सा लगा मुझे। बाय द वे ये सब अंडर 99 रुपीज़ थे। यहाँ आने से पहले सोच के आई थी कि और कुछ लूँ या ना लूँ, एक नेल पेन तो ज़रूर लूँगी, पर इसकी प्राइस। सो सबसे पहले तो मुझे लगा कि इसमें बस इतने ही शेड हैं। देन मैंने नज़र घुमाई तो नेल पेन का पूरा ख़जाना दिखा, पेस्टल, डार्क, ग्लिटर, ऑलमोस्ट सारे ही शेड कवर हो गए। बाय द वे जूडियो का आई थिंक बेस्ट पार्ट यही है कि आप प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो। मैं भी शुरू हो गई, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करी, नेल पेंट्स, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस एंड सच बताऊं तो इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था। पसंद है तो लो वरना वापस रख दो। देन नीचे एंड में बास्केट में मेकअप पाउचेस थे, ये मुझे पसंद है। सो इसकी प्राइस है 299 रुपीज़। ये सारे ही बढ़िया थे, आप डेफिनेटली ले सकते हो।
ये 49 रुपीज़ के नेल रिमूवर वाइप्स हैं। अब आते हैं काजल इन मस्कारा। सो ये है 99 रुपीज़ के मस्कारा, ये है 79 रुपीज़ के काजल। इसमें ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन तीन शेड मिल जाएंगे। सो हमें चाहिए था आईलाइनर, तो पहले हमने ब्लू वाला लगा के देखा। सो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है शिमर आईलाइनर, तो ये बिल्कुल वैसा ही था एंड स्मज प्रूफ भी है। आईलाइनर में भी ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन शेड मिल जाते हैं। नीचे यहाँ 49 रुपीज़ में नेल रिमूवर एंड 99 रुपीज़ के माइसेलर वाटर भी थे। अब यहाँ पे दूसरे भी लिप ग्लोस एंड लिपस्टिक्स थी, इसमें भी बहुत सारे शेड थे। सो ये दोनों ही 149 रुपीज़ के थे। यहाँ पे नीचे 79 रुपीज़ के ब्यूटी ब्लेंडर एंड वाइप्स भी हैं। यहाँ पे आई शेडो पैलेट्स नहीं थी। अब जूडियो में होती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट अगर ना होती हो तो जल्दी ही ऐड करा दो भाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब लास्ट में है ये फुटवेयर सेक्शन। यहाँ पे बहुत सारी सैंडल्स थी बट मुझे खास पसंद नहीं आई। कई सारी चप्पलों को तो धूल मिट्टी भी लग गई थी। अब क्वालिटी की बात करें तो कुछ का सोल बहुत हार्ड था। ऐसा नहीं है कि सारी ऐसी थी, बट इफ़ आई लाइक समथिंग देन उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं थी। शूज़ का भी अच्छा कलेक्शन था, बहुत सारे ट्राई करने के बाद जाके कोई पसंद आया एंड बाद में मैंने लिया भी है। बारी है ट्रायल की। जो जो मुझे पसंद आए थे वो सारे ही मैंने नहीं लिए, इनमें से कुछ ही लिए। अब बात करते हैं जूडियो एक्सपीरियंस की। सो अकॉर्डिंग टू मी ओवरऑल सब अच्छा ही था, बस कुछ चीज़ें क्वालिटी के हिसाब से अच्छी नहीं लगी। लो जी, तो हो गई हमारी शॉपिंग। आज के लिए बस इतना ही। डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।